डी यर स्टूडेंट्स द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बेस्ट प्रैक्टिस इन सेफ्टी मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिस एट द न्यूयॉर्क पावर अथॉरिटी बेस्ट प्रैक्टिस एट जॉर्जिया पैसिफिक कारपोरेशन ये जो दो एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखी हैं ये दोनों यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हैं वहाँ पर इन चीज़ों की बेस्ट प्रैक्टिस की जा रही है आप इसको सर्च करके गूगल करके इनकी प्रैक्टिस अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं उसकी जो हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट है उसमें आप इनको अप्लाई कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम असेसमेंट ऑफ रिस्क हैजर्ड एनालिसिस प्लानिंग फॉर हैजर्ड्स हैजेटमेंट एंड कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस आउटकम एंड द फोर्थ वन इज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये जो चारों पॉइंट मैंने आपको डी ए स्टूडेंट्स बताए हैं इन चारों पॉइंट का एक मकसद है और वो मकसद ये है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जब तक आप ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे उसके अंदर रहते हुए एम्प्लाई कैसे अपने काम को ऑनेस्टली फ्री ऑफ माइंड रिलैक्स एनवायरनमेंट में कर सकते हैं नहीं कर सकते हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, एक सिस्टम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें इंप्लाइज़ का डेटा एम्प्लाई की लीव का डेटा एबसेंट का डेटा इम्प्लॉ की प्रेजेंस का डेटा एम्प्लॉ की प्रमोशन का डेटा वन क्लिक के अब वन क्लिक के ऊपर आप देख सकते हैं इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म की भी जो हैज़र्ड्स है उसको कंट्रोल करने का बायस बनता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ट्रेनिंग रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स प्रोसीजर फॉर कंट्रोलिंग हैजर्ड एंड रिस्क एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान एंड प्रोसीजर रेगुलर ऑन गोइंग मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इनमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्रेनिंग ऑफ योर इम्प्लॉज आप लोग डी ए स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि ट्रेनिंग एक ऐसा आस्पेक्ट है जो कि इंप्लाई को कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके चला जाता है मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ अगर एक बच्चा कांस्टेबल पुलिस में अपॉइंट होता है उसके बाद वो कांस्टेबल से लेके आगे तक प्रमोट होने में ऑफिसर बन जाने तक बहुत सी हडल से गुजरता है वो हडल्स नहीं है वो उसकी ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग उसके डेजिग्नेशन के लिए रिक्वायर्ड है अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेगा तो वो अगर कहीं पर एस बन जाता है सीनियर हाउस ऑफिसर बन जाता है तो वो अपने स्टेशन को कैसे चलाएगा उसको तो उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है इसलिए ये ट्रेनिंग हर एस्पेक्ट के ऊपर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर हैं ये वो सारे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से अफेक्ट हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से वो इफेक्ट हो सकते हैं इन सब को ऑन द बोर्ड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट में जो आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है ये भी एक ऑन गोइंग सिस्टम है इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आती रहनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म की हैजर्ड्स द्वारा डेवलप ना हो